बार की बात है, एक जंगल में एक शेर रहता था। वह उस जंगल का राजा था। शेर की दोस्ती एक चीते के साथ थी। एक दिन शेर ने चीते से कहा कि मैं इस जंगल का राजा हूँ और सब मुझसे डरते हैं। इस पर चीते ने कहा, वो सब तो ठीक है, लेकिन जैसे ही आपके सामने हाथी आते हैं, आपके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वे बहुत बड़े हैं और वो आपसे डरते भी नहीं है। यह बात शेर को अच्छी नहीं लगी। शेर ने चीते से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसी बात करने की? चीते ने कहा, मैं तो आपका दोस्त हूँ। शेर ने कहा कि मैं तुमसे दोस्ती तोड़ता हूँ, अब तुम भी मुझे जंगल के और जानवरों की तरह सम्मान दोगे। इसके बाद चीता वहाँ से चला गया। कुछ दिनों के बाद लोमड़ी, जो कि शेर का मंत्री था, सभी चोरियों के जुर्म के लिए बंदर को पकड़ कर लाया। शेर ने बंदर को एक महीने की सजा के बाद पहाड़ से गिराकर मारने की सजा सुनाई। इसके बाद बंदर को जेल में बंद कर दिया गया। जब बंदर के दोस्त हिरण को इस बात का पता चला तो वह बंदर से मिलने के लिए जेल में चला गया। बंदर ने हिरण से बोला कि मैं मरने से पहले एक बार अपने घर वालों से मिलना चाहता हूँ। इसके बाद हिरण शेर के पास गया और बोला कि बंदर को एक बार अपने घर वालों से मिलने के लिए छोड़ दो। शेर ने बोला कि यदि वह भाग गया तो? हिरण ने बोला कि जब तक बंदर वापस नहीं आ जाता, जब तक आप मुझे जेल में रख सकते हैं। शेर ने बोला कि यदि बंदर वापस नहीं आया तो तुमको पहाड़ से गिराया जाएगा। हिरण ने शेर की बात को कबूल कर लिया और बंदर की जगह जेल में बंद हो गया। बंदर को अपने घर वालों से मिलने के लिए छोड़ दिया गया। कुछ दिन हो गए लेकिन बंदर नहीं लौटा। इसके बाद वह दिन भी आ गया जब बंदर को पहाड़ से गिराना था। शेर और उसका मंत्री लोमड़ी हिरण को लेकर पहाड़ पर गए। उनने बोला कि अब तुमको बंदर की जगह पर गिराया जाएगा। हिरण ने बहादुरी से बोला कि ठीक है, मैं पहाड़ से गिरने के लिए तैयार हूँ। तभी बंदर भी वहाँ पहुँच गया और बोला कि मित्र, तुमको पहाड़ से गिरने की जरूरत नहीं है, अब मैं आ गया हूँ। अभी तक मेरे लिए जेल में बंद रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शेर उन दोनों की मित्रता देखकर बहुत खुश हुआ और उन दोनों को मुक्त कर दिया। शेर ने बंदर को चेतावनी दी कि अगर वह आगे से चोरी करेगा तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। शेर ने सोचा कि यह कितने अच्छे मित्र है, जो एक दूसरे के लिए जान देने को भी तैयार थे। मैंने छोटी सी बात के लिए अपने दोस्त चीता से दोस्ती तोड़ दी। शेर इसके बाद चीता से मिलने गया और अपने व्यवहार की माफ़ी मांगी। इसके बाद शेर और चीता दोबारा दोस्त बन गए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें छोटी छोटी बातों को लेकर सच्ची मित्रता को नहीं तोड़ना चाहिए। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। छोटी सी कहानी से कुछ सीखने को मिलता है तो इसे शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस कहानी के जरिए कुछ अच्छा सीख पाएं। आपको लगता है कि यह कहानी आपके लाइफ में कोई वैल्यू ऐड करती है और आप चाहते हैं कि आपके जैसे दूसरों की लाइफ में भी कुछ वैल्यू ऐड हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो उसके लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। मैं चाहता हूं कि मैं हर दिन किसी न किसी के लाइफ में वैल्यू ऐड करूं, ताकि वो अपने लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते रहें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।